एक और शेख थे जिनके तीन स्टूडेंट्स थे दो जो थे ना वो जरा शरारती किस्म के थे और एक जो था वो जरा हमारी ज़ुबान में कहते ना जरा नर्डी किस्म का था लेकिन था वो उनका फेवरेट बड़ा पढ़ाकू किस्म का किताबी किस्म का बच्चा था वो तो वो जो दो स्टूडेंट्स दूसरे थे जरा शरारती किस्म के उन्होंने आके एक दफा शेख साहब से कहा कि शेख साहब हम आपसे ना एक कंप्लेंट लेके आए हैं उन्होंने कहा क्या कंप्लेंट है कहते कंप्लेन यह कि ये आपका लाडला क्यों है हर चीज़ होती है इसको आप फेवर करते हैं इसको आप फेवर करते हैं हालांकि हमारे में कोई कोई कमी है ऐसी क्या बात है तो उन्हें कहा चलो मैं तुम लोगों का टेस्ट लेता हूँ तुम लोगों की असाइनमेंट है असाइनमेंट ये है कि एक कहीं से मुर्गी पकड़ो हलाल की मुर्गी होनी चाहिए चोरी की नहीं कहीं से मुर्गी पकड़ो और उसको जाके किसी ऐसी जगह पर जबह करके आओ जहाँ पर कोई तुम्हें ना देखे अच्छा तीनों अपने अपने रस्तों में निकल गए पहला वाला जो है वो शहर या गांव जो था उसकी बस्ती के बिल्कुल कोने में चला गया दीवार के पास दरख के पीछे पत्थर के छुप के उसने जो है ना देखा कि तो कोई भी नहीं है उसने मुर्गी जबा की वहां पर उसने वो उसको पकाना शुरू किया चुपचाप किसी को पता ही नहीं चला और उसने अपनी कढ़ाई बना ली थी दूसरा जो था वो गांव से भी बाहर निकल गया उसने कहा ऐसी कि तैसी ये तो पत्थर के पीछे छुपा ना मैं तो उसके पीछे पीछे जा रहा हूं वो गांव से भी बाहर निकल गया वो गांव से बाहर निकला और उसके बाद कहीं जंगल ब्याबान में जाके उसने वहां पर मुर्गी जबा की वहां पर उसको पकाया छकाया और देखा मेक श्योर किया किसी ने भी नहीं देखा और फिर वो भी कढ़ाई लेके आ गया और पहले वाला भी कढ़ाई लेके आ गया तीसरा जो स्टूडेंट था जो एक्चुअली शेख का फेवरेट था वो वापस ही नहीं आया एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन हफ्ते बाद वो बेचारा वापस आता है और जब तो वा, वापस आ रहा था तो ये हंस हंस के पागल हो रहे थे कि मजाक उड़ा रहे थे कि भाई तू अच्छा निकला हम तो कढ़ाई बना के हमने शेख को जो है ना खिला भी दिया और तुम कहाँ से घूम के आ रहे हो तो कहते शेख मैं बहुत फिर हूँ सर मैं बहुत फिर हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ अल्लाह मुझे नहीं देख रहा कहते मैं कुछ भी लेके नहीं आपके पास शेख ने उसकी तरफ पॉइंट किया ने कहा इसलिए ये मेरा फेवरेट है। कि ये से डरने वाला है इसको पता है कि अल्लाह मुझे हर जगह देख रहा है असल में बात यह कि जो तकवा होता है ना वो ये चीज है कि इंसान को पता हो कि अल्लाह मुझे हर जगह देख रहा है मैं कहीं तनहाई में हूं मैं कहीं पर भी हूं अल्लाह इज वि और वह अल्लाह को हमेशा याद रखता है यह वो अल्लाह का जिक्र है जो कि हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है कुरने मजीद में ही अल्लाह तारा फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस ट्रेड वगैरह उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता अब ये कौन सा जिक्र है भाई कि जो बंदा बिज़नेस भी कर रहा है और अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है बिज़नेस भी हो रहा है जिक्र भी चल रहा है इसको हम बोलते हैं तकवा यानी ऐसा अल्लाह का ज़िक्र ऐसी अल्लाह की याद जो हर वक्त आपके दिल में रहती है आज कल सब कॉमन जो एक्सक्यूज़ है ना अगर आप किसी से पूछें कि भाई आपके पास नमाज का टाइम क्यों नहीं होता या अल्लाह के ज़िक्र का टाइम क्यों नहीं होता या कुरान पढ़ने का टाइम क्यों नहीं होता कहते हम या तो काम में बिजी हैं या माल या माल है मर्दों का नॉर्मली ये मसला होता है कि जी हम माल कमा रहे हैं भाई भाई हलाल रज़ कमाना भी तो इबादत ही है ना हलाल रज़ कमा रहे हैं इसलिए वो टाइम नहीं मिलता उन चीजों का अल्लाह के जिक्र का टाइम नहीं मिलता औरतों से पूछे वो कहते बच्चे पाल रहे हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है अल्लाह त्या कह रहे कुराना लातम अमालकुम अ यह एक्सक्यूज ना मना अल्लाह को पता ना अल्लाह ने हमें पैदा किया अल्लाह को पता था कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये एक्सक्यूज कोई बताएगा कि जी मेरा जॉब में बहुत बिजी हुआ जी काम आजकल बड़ा है आजकल तो प्रेशर बड़ा है या कोई औरत कह जी मेरे बच्चे जो है ना उनको पाल पाल के मेरा तो सर खप गया तो अल तारा कह रहे हैं ये ऐसा ना हो कि इन दोनों चीज़ों में से कोई तुम्हारा मेन मकसद जो था अल्लाह का जिक्र उससे कोई चीज़ तुम्हें गाफिल कर दे और अगर ऐसा हो गया तो तुम खसारे वालों में से so हो जाओगे सो डोंट मेक दिस एन एक्सक्यूज नॉट टू गेट कनेक्टेड टू अल्लाह सुभान व तआला